पुराते जहां पर NH-74 भूमि मुआवजा घोटाले के आरोपी को राहत मिली है। सस्पेंड चल रहे IAS पंकज कुमार पांडे हुए बहाल और कार्मिक विभाग ने किए बहाली के आदेश जारी। 7 महीने पहले पंकज पांडे किए गए थे निलंबित। की अहम जानकारी आपको दे दें, मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति की संस्तुति पर बहाली हुई है। NH-74 भूमि मुआवजा घोटाले के आरोपी को राहत मिली। घोटाले में विजिलेंस की जाँच अभी जारी है और कई आरोपियों की हाईकोर्ट से हो चुकी है जमानत। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर कार्मिक विभाग ने किए बहाली के आदेश जारी। घोटाले में विजिलेंस की जांच हालांकि अभी भी जारी है और कई आरोपियों की आपको बता दें कि जमानत हो चुकी है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति की संस्तुति पर बहाली हुई है। NH-74 भूमि मुआवजा घोटाले की आरोपी को राहत मिली है। सस्पेंड चल रहे IAS पंकज कुमार पांडे बहाल हुए। घोटाले में विजिलेंस की जांच लगातार जारी है। कार्मिक विभाग ने किए बहाली के आदेश जारी, तो वहीं कई आरोपियों की हाईकोर्ट से जमानत हो चुकी है। यह अहम जानकारी आपको बता दें, जहां पर NH-74 भूमि मुआवजा घोटाले के आरोपी को राहत मिली। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हेमभट्ट जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। हेम, आपसे पूछना चाहूंगी, बताया जा रहा है कि जो NH-74 के मुआवजे का घोटाला था उसमें आरोपी को राहत मिली है, क्या कुछ है पूरा मामला विस्तार से बताइए। देखिए, NH-74 मामला, जो कि ये बताया जाता है कि 300 करोड़ से अधिक का ये कथित घोटाला था, इसमें राज्य सरकार ने गठन करते ही, जैसे ही त्रिवेंद्र सरकार सत्ता में आई थी, सबसे पहले 8 PCS अधिकारियों को निलंबित किया था और तमाम जो दूसरे आरोपी थे उनकी धरपकड़ शुरू हुई थी। सरकार ने SIT का गठन किया, SIT ने जांच शुरू की, एक बड़े घोटाले की ओर इशारा हो रहा था। और इसी के चलते हुए पिछले साल 2018 में सितंबर में 2 IAS अधिकारियों को निलंबित सरकार ने किया था, एक डॉक्टर पंकज कुमार पांडे थे, दूसरे चंद्रेश यादव थे। तो उस समय जीरो टॉलरेंस की बात कही गई थी और एक तरह से सरकार ने अपनी पीठ थपथपाई थी कि IAS अधिकारी पहली बार किसी ऐसे मामले में सीधे सस्पेंड कर दिए गए। तो उसके बाद नवंबर में चंद्रेश यादव बहाल हो गए और आप सरकार ने डॉक्टर पंकज कुमार पांडे को भी बहाल कर दिया है। बताया जा रहा है कि दोनों के खिलाफ मामला जो प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं, 2 IAS अधिकारी कर रहे हैं, वो जांच तो चलती रहेगी, लेकिन SIT की जो जांच है उसमें बहुत कुछ ऐसा नहीं मिलने के चलते ये अपील की गई थी डॉक्टर पंकज कुमार पांडे की ओर से कि आप, जांच जारी है, उन्होंने जितना जांच में सहयोग करना था वो कर दिया है, अब आप उन्हें बहाल कीजिए। तो सरकार ने यह फैसला ले लिया है और इससे पहले भी 2 PCS अधिकारी भी बहाल हो चुके हैं। मामला अभी तक चल रहा है, कहां जाएगा ये कहना है। बीच में बात ये भी आती है कि सफेदपोश भी कुछ इस पूरे मामले में शामिल है, लेकिन जिस तरह से जीरो टॉलरेंस की बात कहते हुए सरकार ने 2 IAS अधिकारियों को निलंबित कर दिया, अगर वो दोषी नहीं थे तो कहां पर चूक हुई, कैसे निलंबन कर दिया गया सीधे तौर पर, या तमाम इस तरह की बातें जो आप सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आने वाले समय में जब जांच आगे बढ़ेगी, कोर्ट में मामला चल रहा है, अब देखना ये होगा कि जिस NH-74 को लेकर इतना हंगामा हुआ उसमें आखिरकार कोई दोषी साबित होता है और कब तक इस मामले का पटाक्षेप हो पाएगा। बहुत शुक्रिया आपका हिम्मत हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत के लिए। बड़ी खबर आप बता रहे, जहां पर 7 महीने पहले पंकज पांडे किए गए थे निलंबित, देहरादून से ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।